जितना पैसा इन्होंने प्रचार में खर्चा किया है, अगर उतना पैसा भी ड्रेनेज सिस्टम पे खर्च कर देते, बारिश में जो जल भराव की समस्या वो खत्म हो जाती। हम काम करते हैं और उसी काम का प्रचार करते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, अब जो दिल्ली की जनता है वो पूछ रही है कि भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और साथ ही साथ अगली लाइन कि भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि यहाँ की सरकार जिस हिसाब से दिल्ली में काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि उन्हें भूला नहीं जा सकता, हर दिन उनकी याद आती है। लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। जी हाँ, क्योंकि आज हम मौजूद हैं इंडिया का मिजाज जानने के लिए और साथ ही साथ दिल्ली की जनता के दिल का हाल जानने के लिए कि अभी तक इतने सालों में दिल्ली कितनी बदली। क्योंकि दिल्ली को कहते हैं कमाल की दिल्ली, लेकिन कमाल की दिल्ली आज बेहाल है और बदहाल है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? जरा सी बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपने दफ्तर तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, बच्चे स्कूल जाना चाहें तो कैसे जाएं। सवाल आज यही होंगे हमारे इस खास शो में, और चलिए आइए, दो मेहमान भी खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ अब मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त सर्वेश मिश्रा साहब जो कि आप प्रवक्ता है वो जुड़ चुके हैं, इनके अलावा खेमचंद शर्मा साहब जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तो आइए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर्वेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो दिल्ली की आवाम है परेशान हो जाती है हल्की सी बारिश में, तमाम पोलें सरकारी दावों की खुलती नजर आती हैं, तो दिल्ली आखिर कब अपनी सूरत बदलने में कामयाब होगी? आखिर इस बेहाल दिल्ली से कब लोगों को निजात मिलेगी? देखिए, बहुत ही सुंदर गाने से आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपके वायदों का क्या हुआ? दिल्ली भी आज पूछ रही है, केजरीवाल जी आपको 8 साल हो गए, आपने जो जल बोर्ड को सफेद हाथी बना दिया है वो कहाँ है? क्यों अच्छा काम नहीं कर रहा है? ना तो वो पानी दे पा रहा है और ना ही जब बारिश आती है तो पानी को संभाल पा रहा है। साल के 10 महीने दिल्ली वाले पानी के लिए तरसते हैं, खरीद के पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं और उनकी जो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। 2 महीने जब बारिश होती है तो घरों में अनचाह पानी घुस जाता है। क्यों? ये अव्यवस्था है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ना तो जब बारिश होती है उस पानी को संग्रहित किया जाता है, ना ही उसको जमीन में डाला जाता है। खेमचंद शर्मा जी, कितना फेलियर आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी, आप पहले से देखती होंगी कि मिंटो ब्रिज पे जाम लग गया, यहाँ पे जाम लग गया, और नए दौर में आपको परिवर्तन समझ में आ जा रहा है। दिल्ली एक ऐसी व्यवस्था से ग्रसित है जिसमें जितने भी 60 फीट से कम के नाले हैं जो एमसीडी के पास 15 सालों से थे, और उनकी हालत ये हुई कि एमसीडी में बहुत बड़ी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी कैसे भाग गई है। अगर ये पानी के निकलने का इंतज़ाम कर पाते तो ये भागने की नौबत नहीं आती। पूरी दिल्ली पतली गलियों से भरी पड़ी है और ये इन गलियों में जब जाम लगता है इसका पानी आता है, और पूरी दिल्ली में 3740 किलोमीटर के तक का एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसको तमाम 5 तरीके की एजेंसीज मैनेज कर रही है। और इस बार भी हम लाइव अपडेट्स तक देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ तक क्या क्या असुविधा हो रही है। तो ये एमसीडी 97% नाले एमसीडी के अंडर में आ रहे हैं, और जो पतले नाले हैं, और इनकी वजह से है कि दिल्ली के इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, और आने वाले समय में एमसीडी हमारे हाथ में आएगी, आपको कहीं भी इस तरीके की समस्या नहीं। आइए सर, जनता का रुख कर लेते हैं जी, कितने सहमत हैं आम आदमी पार्टी के सर? आम आदमी पार्टी से हम 100% सहमत हैं, बिल्कुल काम हो रहा है दिल्ली में, बीजेपी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, 100% काम नहीं कर रही है। आज जब सुबह घर से निकले बारिश थी? बारिश बिल्कुल थी, ऊपर वाली की मेहर से। रास्ता सड़क बिल्कुल साफ? 50% सही से बोली है आपकी, 50% साफ था अपना रास्ता जो था, मगर आप पार्टी की मदद से आम पब्लिक को बहुत फायदा मिला है। अब बीजेपी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं, यह दुर्भाग्य है। यह जितना पैसा दिल्ली से मिलता है उसका वो सारा पैसा ले जाके अन्य प्रदेशों में प्रचार में लगा देते हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा से लेके और गुजरात तक। केजरीवाल के साथ हो क्या? अभी कह रहे थे बहुत अच्छा काम वाले के साथ, बिल्कुल मैम केजरीवाल के साथ है। तो फिर पैसा कौन लगा रहा बाहर ले जाके? अरे मेरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है ना, कभी टीवी पर टीआरपी देखती है प्रचार, कभी जोगी जी का नहीं आता है ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री का आता है सबसे ज्यादा टीवी पर प्रचार। बताइए भाइयों, किस प्रदेश का आता है? पैसा लगता है कि नहीं? पैसा लगता है कि नहीं? ठीक है, एक मिनट, आम आदमी से जवाब फिर आती हूँ आपके पास। सिर्फ प्रचार पे दे दे रहा, थोड़े दिन पहले की बात है कि दिल्ली में 850 होर्डिंगें लगी थी, और इन 850 होर्डिंगों में 650
के तकरीबन दिल्ली से बाहर की थी, और उनमें से भी 490 होर्डिंगें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की थी, जिसमें दिल्ली की होर्डिंगें 170 उत्तर पाई गई। तो ये दरअसल क्या है कि सबको समझ में आना चाहिए, हम काम करते हैं और उसी काम का प्रचार करते हैं। पोस्टर बार से काम चला गया, दिल्ली में काम करके काम। सबसे पहले जो आज का मुद्दा है दोस्तों, आपको पता होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सीवेज डिपार्टमेंट आता है नहीं आता है, और हर गली में सीवेज होना चाहिए, हर गली में सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए, हर अनोथराइज कॉलोनी में सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी ने 8 साल में किसी भी नई कॉलोनी में सीवेज की व्यवस्था नहीं करी, पुराने सीवर को चेंज नहीं किया, पुरानी पाइपलाइन को चेंज नहीं किया। जितने बड़े नाले हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो 90% पानी की निकासी का काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर आपके सीवर भरे हुए हैं तो उसमें MCD क्या करेगी, अगर आपके बड़े नाले भरे हुए हैं तो उसमें MCD क्या करेगी। MCD के पास 10% 15% के आसपास नाले आते, वो भी बरसाती नाले, उनमें परमानेंट पानी नहीं होता। ठीक है, दिल्ली में जो व्यवस्था है खुश नहीं मैम, ये जो नाले की व्यवस्था है, नालियों की सफाई की, ये बहुत गड़बड़ है। बारिश, एक ही बारिश हुई, सारे नाले ब्लॉक, हर जगह जल भराव, कहीं पे कुछ नहीं। और ये बात करते हैं मिंटो रोड की, वो NDMC के अंदर में आता है, केंद्रीय गवर्नमेंट के अंदर में, उन्होंने साफ सफाई करी, इस बार वहाँ पे जाम नहीं था। और जगह कहीं भी जाइए, हर जगह पानी पानी, जल भराव, पूरे दिल्ली के अंदर यही है, कहीं खाली कुछ नहीं है। वायदे किए बहुत सारे, हम अच्छा काम करेंगे, जनता लाई पूरा सपोर्ट की, जनता फुल सपोर्ट से आए, लेकिन काम उस हिसाब से। चुनाव के बाद तमाम दावे वादे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीते उसके बाद दिल्ली की समस्या क्या है, दिल्ली वालों की समस्या क्या है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से दिल्ली में रोजी रोटी के लिए? यूपी सरकार बेहतर, दिल्ली सरकार? नहीं, दिल्ली सरकार अच्छी है। दिल्ली कैसे? हमारे बच्चे प्राइवेट पढ़ाते थे, सरकारी में पढ़ा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, पैसे बच रहे हैं। तो आम आदमी का एक नजरिया ये भी है कि दिल्ली सरकार इसलिए बेहतर है यूपी सरकार से कि भाई उनके बच्चे जो हैं प्राइवेट का वो खर्चा नहीं उठा सकते, सरकारी में वो दाखिला जब कराने जाते हैं, सरकारी स्कूल की हालत बहुत अच्छी हो गई है। सर, आज का मुद्दा है पानी का, और अगर ये जो बारिश का पानी है उसको एकत्रित कर लें, संग्रहित कर लें, तो गर्मी में पानी की समस्या खत्म हो जाए, और अब जो जल भराव की समस्या हो रही है वो खत्म हो जाए, दोनों समस्या हो सकती है। लेकिन इसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ना नेता है ना नीति है, नीति ही नहीं। अगर ये नीति बनाए, 8 साल में जितना पैसा इन्होंने प्रचार में खर्चा किया है, अगर उतना पैसा भी ये ड्रेनेज सिस्टम पे खर्च कर देते, उतना पैसा भी जो ये जल आ रहा है बारिश में उसको संग्रहित करने पे खर्चा कर देते, तो गर्मियों में पानी की समस्या पीने की खत्म हो जाती, बारिश में जो जल भराव की समस्या वो खत्म हो जाती। अभी जो हमारे भाई ने बोला शिक्षा के हालत यहाँ पे ये है, हम जब यहाँ पे 20 साल पहले आए थे तो स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा लोग पढ़ते थे, सिफारिश करके लोग वहाँ पे एडमिशन लेते। आज हालत क्या है? आज 75% स्कूलों में साइंस और मैथ नहीं पढ़ाई जाती, कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती। अगर कॉमर्स नहीं पढ़ा रहे हो, साइंस नहीं पढ़ा रहे हो, तो दिल्ली के बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे, कैसे अच्छे कॉलेजों में जाएंगे? केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, 750 के कुछ युवा हमारे साथ, कुछ युवा साथ हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं? कैसे? 12th क्लास में? सरकारी स्कूल? प्राइवेट? जी, सरकारी से। सरकारी से जी। साइंस है? जी हाँ। ये तो कह रहे हैं कि नहीं है, नंबर 1 में साइंस साइड से। अच्छा, दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है? बहुत बेहतरीन सरकारी, और मतलब पढ़ाई के मामले में उनसे अच्छा किसी ने अभी तक काम नहीं करा। चलिए, और अगर बात करूँ दिल्ली की सड़कों की, तो आज सुबह जब स्कूल गए तो बारिश थी? आज सुबह स्कूल गए, जहाँ जी सुबह, मतलब सुबह की तीस, मतलब डे में स्कूल है ना 12 बजे का, तो उस टाइम नहीं थी ना। अच्छा। तो बारिश तो वो तो नेचुरल तो होती रहेगी, पर जब बच्चे की शिक्षा पे ध्यान जाएगा जब तो आगे देश बढ़ेगा। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आपका यूपी से? यूपी से। दिल्ली में रोजी रोटी करने? नहीं, यहीं पे हम पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं आप? तो दिल्ली सरकार बेहतर? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से दिल्ली की सड़कें बेहाल हो जाती है हल्की सी बरसात में, हल्का सा मौसम खराब होने में, सही लगता है? सही है, अब देखो बारिश होगी तो पानी तो भरेगा ही, जल निकासी की समस्या दूर होगी तो पानी नहीं भरेगा ना। निकासी करनी चाहिए, करना चाहिए सर, करना चाहिए जी। देखिए, ऑटो वाले के लिए कहा जाता है कि जब दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल आए तो सबसे ज्यादा ख्याल उन्होंने ऑटो वालों का रखा। खुश है? खुश है, अपने मेहनत कर रहे हैं, खुश क्या कर, बताओ। नहीं, सरकार की तरफ से आपको ऑटो चलाने में जब बरसात में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, बारिश से लबलब हो जाती हैं, आपको कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी। ऑटो कई बार बंद भी हो जाता है, कभी नाले जाम हो जाते हैं, रोड पे पानी लग जाता है। तो जल निकासी की समस्या दूर होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑटो वाले भैया थे जिनका ये साफ ये कहना है कि जब वो सड़कों पर निकलते हैं अपना ऑटो लेके, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वे जी, हाँ, समस्या सिर्फ जल भराव की नहीं है, समस्या खराब रोडों की भी है।
आज दिल्ली की रोडों की हालत ऐसे लगती है किसी गांव देहात की रोड है क्या? आप मेन मेन रोड पे जाइए, गड्ढे मिलेंगे आपको, उनकी वजह से सर्दियों में और गर्मियों में प्रदूषण बढ़ता है और बारिश के समय में जो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, बारिश के समय में जितने भी जो आप देखेंगे व्हीकल रुके होते हैं, बंद होके खड़े होते हैं, वो उन्हीं खराब सड़कों की वजह से खड़े हैं क्योंकि उसमें गड्ढे हो रखे हैं, व्हीकल अटक जाता है, पता नहीं चलता, पूरी साल लोगों को परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली 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 देश की राजधानी है, नहीं लगता आपको कि सरकार की, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ राज्य सरकार पे दिल्ली छोड़ दी? बिल्कुल सही कहा आपने, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मित्रों आपने देखा होगा एक एक्सटर्नल रिंग रोड बनी है जिसको नॉर्थर्न और पेरिफेरल एक्सप्रेस हम जो बोलते हैं, वो किसने बनाया? वो मोदी जी ने बनाया है ताकि दिल्ली में जो भारी व्हीकल्स पहले आते थे वो ना आए। आपने देखा होगा धौलापुर फ्लाईओवर किसने बनाया? आपने बात करी थी कि जल भराव की, अब मेरी बात सुनो, मैं मेरी ड्यूटी है 9 बजे से, यहीं पे ही है अपना क्या नाम है जंतर मंतर के पास, मैं सवेरे 8 बजे निकलता हूँ और 9:45 बजे मैं 9 बजे अपनी ड्यूटी पे मैं पहुँच जाता हूँ। आज मैं 8 बजे निकला था, मेरे को 4 घंटे हो गए जंतर मंतर पहुँचते पहुँचते। और मेरी बात सुनो, क्या वजह वजह मेरी बात तो सुनो आप, मैं आता हूँ हरकेश नगर से, हरकेश नगर से 2 घंटे तो मेरे को वहाँ पे खड़े हो गए लेकिन बस नहीं आई। किस वजह से बस नहीं आई? वहाँ पे पानी सरिता विहार के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इतना पानी भरा रहता है, कई बार 2-2 घंटे तक बस नहीं आती। मैडम इसका इसका कौन जवाब दे है? ये देंगे खड़े आम आदमी पार्टी, बताइए जी। पहले तो आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर दो, भाजपा के साथी को ये नहीं पता कि सीवेज और ड्रेनेज में फर्क क्या होता है। सीवेज और ड्रेनेज में फर्क समझिए पहली बात तो, इसी तरह ये लोग मूर्ख बनाते हैं। एनडीएमसी पूरा इसी सीवेज का पानी और ड्रेनेज के पानी में जमीन आसमान का फर्क है। और ड्रेनेज के पानी जिसकी सड़क होती है ड्रेनेज उसकी जिम्मेदारी होती है। नेशनल हाईवे अगर आप धौला कुआं पे जा रहे हैं तो धौला कुआं की जिम्मेदारी सेंटर की होगी क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। लेकिन ये पूरी जनता को यहाँ गुमराह कर रहे हैं। मिंटो ब्रिज का एक एरिया है, आप जानते होंगे, आपको लगेगा कि गुमराह नहीं हो रही जनता, गुमराह नहीं हो रही सर, टाइम पे पहुंच नहीं पा रही जनता, अपने ऑफिस में नहीं जा पा रही, गुमराह का हो रही सर, पानी भरा हुआ है। एक मिनट एक मिनट, जल सुनिए, जल देना सीवर और पानी देना और पानी निकालना, यह दोनों जिम्मेदारी जल बोर्ड की है। और जल बोर्ड देखिए झूठ बोल रहा है। एसटीपी कौन बनाया है? सुनिए 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शीला दीक्षित ने जमुना सफाई के लिए पूरा सीवर के किनारे बनाई, लेकिन वहाँ इनके वजह से, चूंकि जब फ्री देंगे पैसा होगा नहीं, जब पैसा होगा नहीं, देखिए यहाँ बात हो रही है अपनी दिल्ली को संभालने की, अपनी दिल्ली को सुधारने की, अपनी दिल्ली को बेहतर बनाने की, बेहतर बनाने की। आप कहाँ से भाई? उत्तर प्रदेश। यहाँ कैसे? यहाँ मैं SBI कार्ड में जॉब करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में जो व्यवस्था है ठीक है? ठीक है मैम। अफसोस तो नहीं होता किसी दिन के अपना घर छोड़ के यहाँ आया तो परेशान? कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं। जी बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जिनकी रोड है उन्हीं को पानी निकासी की व्यवस्था करनी है। हरकेश नगर की जो कार्यकर्ता अभी बात कर रहा था, जो व्यक्ति बात कर रहा था आम जनता के बीच से, वो रोड कौन सी मेन रोड है जहाँ पे बस चलती है? जो रोड बस चलती है वो MCD के अंतर्गत आती नहीं है। MCD के अंतर्गत गली कॉलोनियों की जो छोटी छोटी रोड है वही आती है। तो जिस रोड पे बस चलती है इन्होंने खुद ही अपनी गलती मान ली, उसके पानी की व्यवस्था इनको कर। मसला ये नहीं है सर, एक मिनट, मसला ये नहीं है कि किसके अंतर्गत क्या आता है या किसकी जिम्मेदारी कहाँ बनती है। मसला ये है कि जब चुनाव आते हैं सर, तो हर चुनाव में हर पार्टी बहुत वादों दावों के साथ आती है, चुनाव के वक्त ही दिल्ली की समस्याएं याद आती है, उसके बाद क्यों नहीं आती? सवाल ये है। तो अभी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने बहुत झूठ बोला, केंद्र सरकार ने अपना काम किया है, चाहे आपका धौलाकुआ का फ्लाईओवर हो, चाहे आपने ITO पे जिस तरीके से अभी अंडरपास देखा है, ये सब केंद्र की योजना है और केंद्र का गिफ्ट है दिल्ली के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई भी काम नहीं करी। अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया होता तो दिल्ली आज बारिश में पानी पानी नहीं होती और गर्मियों में पानी के लिए तरसती नहीं, क्योंकि ये सिर्फ व्यवस्था की कमी है। दिल्ली में बारिश होती है, उस पानी को इकट्ठा किया जा सकता है और इकट्ठे पानी का उपयोग गर्मी में किया जा सकता है। और भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, आइए उनका रुख करते हैं। सर आप कहाँ से? मैं तो ये दिल्ली से ही। एक बताइए, आपका हाफ बॉडी कोई और क्लीन करे, हाफ बॉडी, ये तो पॉलिसी ही गलत है। हैं, जल सीवर का काम कोई और करेगा, नल का काम और करेगा, पर तो पॉलिसी ही गलत है। आप पूरा एरिया किसी पट, मतलब बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने इसी चक्कर में जनता पिस रही, कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में पब्लिक गई घिसाई में, सिंपल स्टेट। कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में पब्लिक गई घिसाई में, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में पब्लिक गई। एक बार और, कुत्ते बिल्ले की लड़ाई में पब्लिक गई। बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। यही चीज है, अब एक पार्ट कोई और देख रहा है, एक पार्ट आता है, किसी एक पर्टिकुलर पूरा दे दीजिए ना, पूरा रोड का। अब मान लीजिए सीवर कोई और सफा कर रहा है, नाली कोई और सफा, तो होगा ही झगड़ा, मियां बीवी की तरह झगड़ा डेली।
जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जी आप भी मानते हैं इस बात को कि एक तरफा होनी चाहिए चीजें, सब दो सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है, ऐसा इल्जाम जनता का? देखिए ये समुचित प्रयास होना चाहिए, एक तरफा जैसा कुछ भी नहीं है। अगर दिल्ली में आप देखेंगे कि 3700 एक बार भाई साहब को आगे लेके आना, एक मिनट भाई साहब आगे आओ। देखिए भाई गर्मी में शो कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन इनकी आइसक्रीम ने थोड़ी ठंडक पैदा कर दी, मौसम गर्म हो रहा था, मन है बहुत खाने का, लेकिन बाद में आएंगे आपके पास। नहीं नहीं थैंक यू जी, अपनी बात। तो ये सभी जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली में, अगर NHAI है, MCD है, दिल्ली सरकार की PWD है, फ्लड एंड कंट्रोल है, सबका चारों का कोऑर्डिनेशन है, और चारों के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से होता है। 60 मीटर से पतली सड़कें MCD के दायरे में आती हैं, 60 मीटर से जो चौड़ी सड़कें वो आती हैं। अब आपको ये लगता है कि एक कोई नाला सही हो जाएगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं चल पाएगा, दोनों को समन्वय बना के ही काम करना पड़ेगा, वही एक विकल्प है। अगर गली से पानी आएगा तो चौड़ी सड़क के नाले पर ड्रेनेज पर कनेक्ट करेगा, और ये आपको समझना पड़ेगा कि सीवेज और ड्रेनेज दोनों का सिस्टम अलग इसलिए रखा जाता है ताकि जो सीवेज का पानी होता है उसको अलग तरीके से साफ किया जाता है और ड्रेनेज को अलग तरीके से साफ किया जाता है। सिस्टम सब अलग अलग ही होते हैं, और इसके लिए बकायदा एक नहीं दो नहीं शायद 20 से ज्यादा एजेंसियां जो है वो काम भी कर रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब इतनी एजेंसियां किसी काम में लगी हुई हैं तो काम उनका हो कब रहा है, क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। और लोगों के पास चलेंगे, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, कहाँ से आए हो? मुस्तफाबाद से। उत्तर प्रदेश अच्छा है कि दिल्ली अच्छी? दिल्ली। कैसे? ये आपकी दिल्ली में सफाई सही है? सफाई सही है, बहुत बढ़िया। आज बारिश हुई थी दिल्ली में? आज जी। तो सड़कें बिल्कुल साफ थी? जी सही है। कहीं कोई पानी नहीं भरा? देखिए तो पानी भरा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्याएं हैं वो कब दूर होंगी दिल्ली की। आप कहाँ से भाई? करावल नगर से ही। अच्छा, दिल्ली में सब बढ़िया? जी बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो मोहन सिंह बिष्ट BJP के विधायक हैं, उनने तो इतना अच्छा काम करा है। वहाँ तो रोड एकदम, आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा, मतलब जहाँ BJP के विधायक वहाँ काम अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के विधायक सो जाते हैं, पता नहीं काम ही नहीं करते। कहाँ सो रहे हैं सर? वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सो जाते हैं, BJP के विधायक जागते रहते हैं 24 घंटे। दिल्ली जानती है कि बिजली कौन फ्री देता है, पानी कौन फ्री देता है, अच्छा स्कूल कौन बनवाता है, अस्पतालों में फ्री दवाई कौन देता है, और महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कौन देता है। सुन लिया भाई, अब जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हाँ ठीक है, जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो अब हिसाब किताब तो लगाना है, नहीं तो उसमें कोई जाग के क्या करेगा। ठीक है, बस हमेशा यही बोल देते हैं बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, हर जगह वही कर देते हैं। सीवेज पे कर रहे हैं तो ये तो सिस्टम ही गलत है। स्पीकर कोई और क्लीन करे, हैंडल कोई और क्लीन करे। 60 मीटर तक आप कर रहे हैं, 60 के बाद है और करें तो और जो होगा उसको ब्लॉक कर देगा, हो गया वो बदनामी और की होगी। पहले तो सिस्टम ही गलत है, कोई एक करे तभी तो लोग उसको पकड़ेगा, नहीं तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होगा जी। हम 60 कर दिए, 30 वाले जो है उसको ब्लॉक कर देगा, आप मुझे 60 वाले का पानी ब्लॉक है, ये तो वही चीज हो रहा है। कोई एक करे तब तो उसको आप पकड़ेंगे, मतलब सिस्टम चाहे आप कुछ भी बना लीजिए। कभी कहते कि ऑडिवन से दिल्ली चलेगी, लेकिन अब आज जो हाल है यहाँ पे जल भराव की जो समस्या है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ऑडिवन से दिल्ली नहीं चलेगी बल्कि नाव के सहारे दिल्ली चलेगी। जी मैं पंजाब से हूँ। हाँ जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है जी, इन्होंने बोला था करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई करप्शन नहीं खत्म हुई, कुछ नहीं हुआ। वैसे चल रहा है, भगवंत मान जी बैठे उधर, वो पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है भगवंत मान जी उठा रखा है, कुछ नहीं हो रहा पंजाब में। भगवंत मान जी बैठे कहाँ है? वो तो उसके खिड़की के दरवाजे पर लटके नजर आते हैं। वही बात है ना, पंजाब में कुछ भी नहीं बदला। जो वैसे जो पहले की सरकार थी, क्या नाम रहा, कांग्रेस सरकार, उसके अंदर थोड़ा था, थोड़ा वर्क था उसका, लेकिन जो अभी ना अभी पंजाब का बेड़ा गर्क है। जो जो जल की समस्या यहाँ है वो भी हुई, जल की समस्या वैसे भाई भाई खुद वोट डाली है आम आदमी पार्टी को, तो वोट दे के नुकसान हुआ, ठगे गए? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। कैसे महसूस हो रहा है, क्यों कैसा लग रहा है कि हमारा वोट बेकार चला गया आम आदमी पार्टी? वहाँ पे 4 महीने हो गए कोई काम ही नहीं हो रहा, किसी MLA के पास जाओ कोई सुनता ही नहीं, जनता की कोई नहीं सुनता वहाँ। ठीक है, आप कहाँ से? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा। और मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा, मैं कोई राजनीतिक, बिल्कुल मेरा व्यक्तित्व तो कोई राजनीतिक नहीं है, मेरे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी हो, पूरे देश में दो मॉडल पे सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, चाहे दिल्ली के केजरीवाल का मॉडल हो या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल हो। जिस तरह उन्होंने मतलब गुंडागर्दी खत्म की है उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरह से दिल्ली में फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल और फ्री लड़कियों को जो बस में सुविधा दी जाती है, और बिजली का जो रेट कम है दिल्ली में, मतलब उन दोनों मॉडल पे पूरे देश को चर्चा की जानी चाहिए, दोनों मुख्यमंत्रियों के बारे में देश को चर्चा करनी चाहिए। अपने आप में योगी आदित्यनाथ जी भी बेस्ट है और केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे। माता जी आ गई, माता जी आई।
दिल्ली की रहने वाली है? नहीं, मैं दिल्ली की नहीं हूँ। कहाँ से आई हैं? बाहर की हूँ, मथुरा की हूँ। मथुरा की, तो दिल्ली में कैसे? दिल्ली में इनसे पूछिए, सलोनी आओ दिल्ली से। सलोनी कम प्लीज कम। देखो आप युवा हो, देश का भविष्य हो, आपको हक बनता है अपनी चुनी हुई सरकारों से सवाल पूछने का। आज आप दिल्ली में रहते हो बेटा, क्या कर रहे हो? मैं कैबिन क्रू हूँ स्पाइस। अरे वाह ग्रेट, देखिए भाई हमारी बिटिया तो उड़ान भरने वाली निकली। बेटा दिल्ली में सब सही? हाँ जी अभी तो सब। दिल्ली सरकार अच्छे काम कर रही है? हाँ जी। अरे तो अभी इन्हें क्या पता होगा, सड़कों पे तो चलती नहीं है ये, तो सीधा उड़ती है प्लेन से, सड़क से तो वास्ते ही नहीं है इनका, तो इन्हें क्या पता होगा जल भराव की समस्या कैसी है। आप बेटी के पास आती हैं दिल्ली में, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए कोई नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। महिलाओं के लिए दिल्ली में फ्री बस सेवा, माता जी इतना तो बता दीजिए, लगता है सब जगह होनी चाहिए? होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, दिल्ली में नहीं सब जगह होनी चाहिए, सब जगह महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की। देखिए इस बात की तो तारीफ हो रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन सवाल ये है कि कहीं एक आरोप ये भी है आम आदमी पार्टी पे कि फ्री फ्री कह के जनता को लूटा जा रहा है, क्योंकि जनता ये कह रही है आप हमें फ्री कुछ मत दीजिए, आप हमें रोजगार दीजिए ताकि हम अपना घर खुद चला सके। अगर नेताओं को फ्री बिजली मिल सकती है, नेताओं को चलने के लिए पेट्रोल मिल सकता है, तो जनता को क्यों नहीं मिलेगा? ये जनता के टैक्स का जब जब जनता की पेंशन खत्म हो सकती है तो विधायकों की क्यों नहीं, ये भी सवाल। विधायकों की पेंशन हमने पंजाब में खत्म कर दी, एक ही पेंशन कोई भी होगा एक ही लेगा, वरना 12-12 पेंशन लेते थे बीजेपी कांग्रेस और अकाली वाले, ये होने का। रोजगार खत्म हो रहा है लेकिन विधायकों की पेंशन भी जस की तस है और उनकी सैलरी भी बढ़ रही है सर, तो फिर अगर जनता के लिए सारी बातें सिर्फ क्रॉसी में ही रहेंगी तो फिर पॉजिटिव भी होनी चाहिए। देखिए दिल्ली का सीएम इतने से छोटे से एरिया का सीएम है, 4.5 लाख उनकी सैलरी है, पीएम से भी ज्यादा है, और इन्होंने सीएम साहब ने सीएम कितनी है, कितनी 90,000 रुपए तनख्वाह, 94 90,000 4 लाख हो, अलाउंसेस कहाँ गए, एक बंगलो जो लिया हुआ वो कहाँ गया, अलाउंसेस कहाँ गए? दिल्ली में इसके पहले विधायकों का तनख्वाह 12,000 रुपए था, आपको विश्वास होगा? 54,000 रुपए हुआ है टोटल, जोड़ के 90,000 रुपए आता है, झूठ कैसे बोलते हैं खुलेआम? देखिए बात कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं, ये साफ झूठ बोल रहे हैं। पीएम साहब से ज्यादा तनख्वाह बढ़ाने का कॉम्पिटिशन, तनख्वाह बढ़ाने का कॉम्पिटिशन। तो देखिए कोई भी आदमी को मूलभूत जरूरतें तो देंगे ना आप, विधायकों को उनके उनको एक मूलभूत तनख्वाह तो देंगे। सैलरी पे तो हो गया सब, आप गूगल कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये फ्री की बात करते हैं, ये कहते हैं हमने फ्री में महिलाओं को दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दी हुई है। आपको बता दूं 8 साल पहले 6,500 बस दिल्ली में थी, आज मात्र 3700 बस दिल्ली में है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे बोला था 15,000 बस करूंगा, एक नई बस नहीं खरीद पाए। 150 बस जो आई है वो मोदी जी ने दिए, जो इलेक्ट्रिक बस आई है वो मोदी जी ने दिए, 8 साल में एक बस नहीं खरीद पाए, और 3,500 बस इन्होंने कबाड़ी में बेच तो दिए, एक नई बस नहीं आई। जब बस ही नहीं है तो कहाँ से आप फ्री दोगे? और भाई ने बताया अशोक नगर से आते हैं, क्योंकि उस रोड पे बस चलती नहीं है, खटारा बस है, पड़ी हुई है, जली पड़ी है। बसें दी तो मोदी साहब ने, लेकिन चलाओ सर अरविंद केजरीवाल रहे हैं फ्री दे के। नहीं ये वो दूसरा, वैसे इधर ड्रामेबाजी ज्यादा कर रहे हैं। कौन? केजरीवाल जी। कैसे? बसें तो मोदी साहब ही दे रहे हैं, केजरीवाल जी ने तो कोई नई बस खरीदी नहीं है। ये दूसरा नाम कर रहे हैं अपना, मतलब करते मोदी जी नाम हुआ इनका, केजरीवाल जी का होता करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। फिलहाल इंडिया के फिलहाल मिजाज इंडिया का हमने जानने की कोशिश की और उसमें समझने की कोशिश की कि दिल्ली की सरकार बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली में जल भराव की समस्या ऐसी हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर निकलें तो कहां से निकलें। कई बार लोग ये भी कहने लगते हैं कि कहीं अब ऐसा तो नहीं आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो हमें नाव का सहारा तो नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर सरकारें कुछ नहीं करती हैं तो एक आम नागरिक होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, हम अपने शहर को कैसे बेहतर बनाएं। तो एक आम नागरिक होने के नाते आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइएगा। फिलहाल के लिए अभी इस शो में इतना ही, मैं निदा अहमद कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज इंडिया।